आज हम लोग एडिशन देखेंगे फ्रैक्शन का. फ्रैक्शन का एडिशन कैसे, आज हम लोग ये एडिशन देखेंगे फ्रैक्शन का कि कैसे हम लोग एडिशन करते हैं. 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ये आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे. कैसे एडिशन करेंगे तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम किसका निकालेंगे, ये देखिए न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है. डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे. डिनोमिनेटर है आपका 10, 5 and 2. 10, 5 and 2 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग. मान लीजिए यहाँ पर दो नंबर ऐसा है जो दिख रहा है जो 5 से डिवाइड होगा, तो हम लोग इसी से पहले डिवाइड करते हैं. 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5 और 2 को उतार देते हैं क्योंकि ये डिवाइड तो इससे नहीं होगा. तो अब इससे हम लोग देखिए इसमें दो टू दिख रहा है, टू टाइम्स है, तो अब हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं. 2 × 1 = 1 उतार दिए और ये 2 × 1 = 1, ठीक है ना. तो अब बाकी हम लोग एलसीएम तो यहाँ पे करेंगे. 5 × 2 × 1 × 1 में ये हो गया आपका कितना हो गया 1, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 10. एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया. अब 10 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में. ये हो गया डिनोमिनेटर, जो आया उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और जो न्यूमिनेटर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10 और 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 प्लस 5 को फिर 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा प्लस फिर आपका 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा और 5 से फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा. अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं. 7, 4, 11 और 11 और 5, 16, 10 कितना हो गया 26. ये हो गया आपका 26/10. अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो ऐसे ही छोड़ देंगे ये फ्रैक्शन में आंसर भी आ जाएगा, या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको आप तोड़ सकते हैं. 26/10 से को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 × 20 = 6. अब इसको आप लिखिए 2 × 6/10 एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं 6/10 को मिक्स नंबर भी बोलते हैं. अब इसको आप और छोटा करना चाहते हैं, इसको डिवाइड करिए 2 × 3 = 6 and 2 × 5 = 10 2 and 3/5. तो ये आपका फ्रैक्शन में एडिशन का, ये हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन किए जो आपका आंसर आया है ये. फ्रेंड्स आपने देखा कि बहुत ईजी तरीके से मैंने सिंपल सा फ्रैक्शन आपको बताया है और आगे और भी मैं फ्रैक्शन आपको बताऊंगी जो बहुत ही इजी तरीके से होगा और आप सीखेंगे जानेंगे. मेरे वीडियो में लगातार बने रहेंगे और